दफूसर के पुराना बीडीओ ऑफिस से विभिन्न संगठनों की ओर से राष्ट्रवादी नागरिक मंच के बैनर तले सीएए के समर्थन में जुलूस निकाला गया और इसका नेतृत्व मंच के अर्जुन सिंह कर रहे थे। जुलूस में पूर्व सांसद रविन्द्र पांडे, स्वामी सीताराम शरण सहित अन्य लोग शामिल थे। यहां सैकड़ों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। पहले मंच की ओर से प्रशासन को आवेदन दिया गया था, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली और मंच ने बिना अनुमति के ही जुलूस निकाल दिया। जुलूस में शामिल लोगों और पुलिस के बीच थोड़ी झड़प भी हुई और इसके बाद बेरमो सीओ मनोज कुमार ने 26 नामजदों सहित 400 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। जुलूस निकालने के पहले बेरमो सीओ मनोज कुमार और थाना प्रभारी के साहू पुराना बीडीओ ऑफिस पहुंचकर जुलूस निकालने से रोकने का प्रयास किए। उनके द्वारा विश्वंदु परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया और हम लोग वहाँ थे, कहीं कोई दुमत नहीं थे। आप कोई 144 भी नहीं लगा हुआ है कि वहाँ पर आपको नहीं जाना है कि जाना है। अब प्रशासन को इसको देखना चाहिए कि भाई वहीं पर रोक देना चाहिए था, काहे जुलूस में आगे बढ़ने दिया गया। जहाँ से जुलूस चला वहीं पर रोक देना चाहिए था कि भाई आपको इसके आगे नहीं जाना है। नागरिक मंच ये संस्था के द्वारा जुलूस निकाला जाने के बिना अनुमति के जुलूस निकालने के मामला को लेके कल बेरमो थाना में एक FIR दर्ज हुआ। उसमें 26 आदमी के नामजद और बाकी अन्य 400 के अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। में जुलूस निकाला गया और ये बिना अनुमति के जुलूस थे, जिस पर बताएं आपको कि 26 नामजद और 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो बोकारो में बिना अनुमति सीसी और एनआरसी के समर्थन में रैली निकालने वालों पर गाज गिरी है। और ज्यादा जानकारी के साथ बोकारो से सहयोगी सुरेंद्र है फोन लाइन पर। सुरेंद्र, बोकारो में बिना अनुमति के सीसी और एनआरसी के समर्थन में रैली निकालने वालों पर गाजगिरी है, जानकारी दे पूरी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रविवार को राष्ट्रवादी नागरिक मंच के बैनर तले फुसरो में सीए और एनआरसी के लेकर विभिन्न समर्थकों ने जुलूस निकाला था, लेकिन जैसा कि यहाँ बोकारो पुलिस अधीक्षक मुर्गन का कहना है कि जो अनुमति नहीं लिया गया था और जिसके कारण यह कार्रवाई गोमिया के सीओ के द्वारा की गई है, जिसमें 26 लोगों के नाम दर्ज किया गया और 400 अज्ञात लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसमें गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंदर पांडे हैं और वहीं राष्ट्रीय नागरिक मंच के जो अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह, उन पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरह से यह प्रक्रिया की गई है, रविंदर पांडे से आज हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर परमिशन नहीं था तो जब हम जुलूस में जा रहे थे तो उस समय जिला प्रशासन ने जुलूस को क्यों नहीं रोका, आखिर उन्हें वहां रोकना चाहिए था। जी तो अभी 26 नामजद और 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, कोई कार्रवाई भी हुई है? जी, जिस तरह से एसपी पी मुर्गन ने कहा है कि कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जानकारी के लिए।